नमस्कार आप चौपाल व्यू देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी इस वक्त मौजूद हैं हम बत्तीस विधानसभा क्षेत्र असमोली में अगर वर्तमान की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है समाजवादी पार्टी से लग पिंकी यादव यहाँ की विधायक हैं अगर बात करें तो आइए हम जानते हैं कि पिंकी यादव जी के बारे में ही बात करेंगे कि कितना विकास यहाँ पर कर पाया आ, करा पाई हैं और आने वाले टाइम में ये किन को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और अपने क्षेत्र से किन को विधायक देखना चाहते हैं जी क्या नाम सर उमेश जी तो जैसे कि आपके यहाँ पर जो है ये पिंकी यादव विधायक हैं तो अब जो है आपको इनका काम काज कैसा रहा इनका काम जब सरकार अब नहीं है तो थोड़ा हल्का है वैसे सही था जी। और विकास अच्छा किया है तो वर्तमान सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहोगे वर्तमान सरकार में कैसा महसूस हो रहा है बढ़ती महंगाई से कोई दिक्कत वगैरह हो रही है हाँ दिक्कत तो सभी को हो रही है क्योंकि आज आम आदमी की इतनी पहुँच नहीं है तो दिक्कत तो है ही है थोड़ी अब कट्टे पे भी रुपए बढ़ बढ़ चुके हैं और डीजल थोड़ा महंगा हो चुका है पेट्रोल, पेट्रोल, और, महंगी पेट्रोल है। और महंगी है वैसे सही है कुल मिला सरकार थोड़ी दिक्कत तो हुई है पे जैसे कि सरकार सही है और दिक्कत भी हो रही है दिक्कत भी हो रही है सरकार इसलिए सही है कि पहले यहाँ पर काफ़ी परेशानी थी गाय जी बछड़े उन्हें पकड़ के ले जाते थे और अब जिस बात में सुरक्षित हैं लेकिन किसान आदमी परेशान है फिर भी गायों से ज़्यादा परेशान है खा रहे हैं आप तो ज़्यादा परेशान आप जा, फिलहाल ज़्यादा परेशान हैं वैसे अभी पिछली थोड़ी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आई कैला देवी तो उन्होंने काफ़ी वादे किए हैं देखो कुछ सुधार हो प्रधानमंत्री के रूप में तो नरेंद्र मोदी को ही देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में अब देखो कुछ दिन बाद इलेक्शन होने में है और विधायक तो, तो बार पिंकी बार यादव ही यहाँ से हर बार रहती हैं और देखो हो सके अब की बार भी रहेंगी जी। और जब अब की बार इनकी सरकार ना थी तो कुछ काम हल्का किया है अच्छा तो मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहते हो मुख्यमंत्री तो हम अखिलेश यादव को ही देखना चाह रहे हैं फिर से पिछली बार बहुत अच्छा काम हुआ उनकी सरकार थी तो उनने काम किए लैपटॉप बांटे बहुत काम किए क्या नाम है जी मेरा नाम धर्मेंद्र है जी तो आपको क्या लग रहा है वर्तमान स्थिति को लेकर कैसा महसूस हो रहा है देखो भैया मैं धानों के बारे में बता सकता हूँ सरकार से क्या है कि मैं उनकी वो करूँ और अखिलेश जी की वो करूँ तो सही नहीं है नहीं। लेकिन मेरे लिए तो दोनों एक ही बराबर है नहीं तो, फर्क तो होगा ऐसा तो नहीं। तो इतना है कि बस है चुको मामन वो सब कुछ बढ़िया चल रहा है हाँ सही चल रहा है जैसा भी है तैसा नहीं आप जो है घुमा फिरा के बात कर रहे हैं भैया देखो आप जानती हैं आप बहुत लोकेशन की चीज है ये मैं किसी को गलत नहीं कह अरे तो भैया तो नहीं नहीं नहीं। नहीं? तो दो दो हजार रूपए से थोड़ी किसी की उससे पड़ती है जो जनता के लिए एक समान हो अब मेरे लिए दो हजार रूपये मिल गए ठीक है न अब किसी को बेचारे ना अभी दर्शन ही ना दो हजार हमारे खाते में आएगा ना है ना तो सही है देखो। आसन जो दे रही है सरकार वो अच्छा है लेकिन ये भी अच्छे हैं ये ना है कि गलत है देखो भाई जब राजा बन जाता है तो उसे दुनिया देखनी पड़ती है ये थोड़ी अगर दो चार भैया को देखो हर कोई देखना पड़ता है तो आप मतलब आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन बढ़िया रहे भाई चलो मेरे आते तो यही सही है योगी जी अच्छा। भाई इनको मैं गलत थोड़ी कह सकता हूँ भाई जिसका नाम है उसका काम है अच्छा उसका नाम ही नहीं है आप क्या दबाव में बात कर रहे हैं ना ना मुझे किसी का दबाव नहीं बढ़े भाई जी क्या नाम है सरेंद्र नाम है जी। तो आपको क्या लग रहा है वर्तमान स्थिति को चलते महंगाई को लेकर क्या लग रहा है कैसा महसूस हो रहा है बढ़ेगो? जी। पेट्रोल महंगी गई? सरकार के लोगों का कहना है कि जो है महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि फ्री राशन दे रहे हैं दो दो हजार रुपए खाते में दे रहे हैं तो ज्यादा तुझे ना दे दे तो सही है दे दे। हाँ भाई सही बात ना है हां हां तो हो और कौता में ही नहीं देवे तो भी सही है और पहले गुजर कर रहा है यासी गुजर अब गो गुजर में खामी है बताओ डील कहाँ से लावे है तू अच्छा मैं हूं तो और जी, तो जी, आप मतलब मुख्यमंत्री कौन बढ़िया रहेगा जैसे कि तीन बड़े चेहरे हैं वर्तमान के योगी जी अखिलेश यादव जी अकेले के आप वोट करोगे कोई पसंद तो नहीं है जो डीजल महंगा जो मुख्यमंत्री कौन पसंद है अरे मुख्यमंत्री बता देना हमारे हाथ में मुख्यमंत्री तो अखिलेश बढ़िया है है घटिया बता रहा है। जी। क्या नाम है सर जी तो आपके हिसाब से मतलब 2022 में मुख्यमंत्री कौन सही रहेगा क्या, क्या बात है आपके यहाँ के लोग घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हैं क्या मैटर क्या है मैटर कोई को वोटरों के हाथ में है। जो भी है वोटरों के हाथ में अगर जो वोट पड़ेंगे जब ही बनेंगे जो भी हो अरे तो हम तो जो कह रहा है बढ़िया है 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 और गे गे है, सब अच्छा ऐसा तो नहीं है दोनों दो लोग तो बढ़िया नहीं हो सकते को, कोई ना कोई तो राज है राज है राज तो कुछ ना है हमें तो सब बढ़िया है, है। मैं तो जो ही है जानवर ज्यादा है गए जे परेशान कर रहा है बहुत परेशानी है गाय वगैरह बहुत परेशानी है जंगल में दिन रात सो रहा है तब फसल मुश्किल थे बहुत परेशान जब जबर से परेशान है और हमें कोई सरकार के कोई नुकसान हो रही है और तो कोई दिक्कत ही नहीं हैं है, इतने रहे है। कै जंगल में सोना पड़ रहा है सारी तो सारी रात इधर उधर घूमते लेकर जाता है क्या नाम है क्या नाम है श्रीपाल 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 नाम है आपका तो जैसे की आपको वर्तमान स्थिति को लेकर कैसा लग रहा है

क्या दलाली चल रही है दलाली तो बहुत ही चल रही है गांव में आके आए तो राजेश तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया रहेगा दो हजार बाईस में मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अखिलेश बने तो क्या कारण रहेगा योगी जी से क्यों खपाए योगी जी जी जो खपाए सारे कारोबार धंधे सब खत्म कर दे कारोबार खत्म कर दे अपने जो दो पैसा बाहर कमाने वाला आदमी होता है वो भी घर बैठा है लॉकडाउन भाई साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब को कहा भाई साहब तो भाई साहब कहा भाई साहब तो गाँव में रहता है हमें ऑल इंडिया परमिटम रहता हम तो मैं तो गाड़ी घोड़ा जो आदमी अपने पैसा मजदूरी कर रहा हूँ गाड़ी चला तो के कच चला के वो अपने घर बैठा हुआ लॉकडाउन में लॉकडाउन लगा दो बैठे हैं धंगा सही बैठे हैं मंडी समय दी क्या खत्म करने जा रहे हैं किसान खत्म करने जा रहे हैं सरकार तो दो हजार रुपये दे रही है फ्री राशन दे रही है और दो हजार क्या फर्क पड़ रहा हुआ क्या छह हजार तक कोई छः हजार फर्क पड़ रहा होगा और जो फ्री राशन मिल रहा है वो इससे इससे क्या पाँच चार किलो में चार किलो में एक महीना काट लो पंद्रह दिन काट लो चार किलो में कोई परिवार वाला ये बताओ तो एक महीना का एक महीना में आठ किलो मिल जाए एक यूनिट पे सो किसी को है ना और क्या है जैसे कि सरकार के लोग कहते हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी कहते हैं कि अगर हिंदू इस समय जो है खतरे में जाने वाला है अगर सरकार नहीं रही थो? तो जाए खतरे में तो जाए रहा है खतरे में तो दुनिया दु, देश पूरे पूरा देश बेच दो ट्रेन बेच दें इनने क्या चीज ना बेची है ट्रेन चल रही बस से जा रहा दो सौ रुपया लाए दिल्ली तक के और ट्रेन से तो जा दो तीस रुपये में पहुँच जा दो पहुँच जा दो ना पहुँच जा दो इनका कहना है कि हमारी सरकार नहीं रही बीजेपी की सरकार नहीं रही तब जो है खतरे में आ जाएगा हिंदू हिंदू खतरे में नहीं आ गए बीजेपी सरकार तो और सरकार आया गो बढ़िया अच्छा। है हाँ। और सरकार आया गो बढ़िया है बीजेपी सरकार थे तो अच्छा। ये तो ऐसे मान लो पूरे देश को बेच के ये तो कहना रहे हैं कालाधन हम लेके आए ये तो बेच के दूसरे देश को पहुंचा रहे हैं इनका कहना है कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं जैसे नोटबंदी की है हमने काफी काम कौन सा काम करवा बता के देंगे नोटबंदी करी नोटबंदी में कहा नोटबंदी में कहते किसान फिटो पाँच सौ बाद तीन सौ में चलो कितने कितनी फायदा भाव सबसे ज्यादा तो कोई चल रहा हो ना तो और क्या करेंगे नाम मणि राम जी तो आपको क्या लग रहा है वर्तमान स्थिति वर्तमान की महंगाई को देखते हुए क्या कैसा लग रहा है महंगाई में क्या है महंगाई में तो कुछ नहीं क्या मोदी जी ने तो वो तो सब पीछे वाले काम चले आ रहे हैं तो उनकी कब कम बनी ही बेरोड चल रहे हैं अभी और कुंड काम क्या किया है महंगाई से दिक्कत हो रही है या ठीक ठाक चल रहा है क्या महंगाई आई है बोलिए कोई दिक्कत नहीं है क्या महंगाई आई क्या है नहीं जैसा कि एक सौ चार रूपए को लगभग पेट्रोल बिक रहा है सौ रुपए को डीजल बिक रहा है हाँ। एक हजार का जो सिलेंडर बिक रहा है इससे ये कोई तरीका है एक हजार का और इस का पेट्रोल का डीजल का किसान का खेती करेगा हाँ। मतलब परेशानी हो रही है परेशानी नहीं थोड़ी बहुत परेशानी लंबी परेशानी खुआ हो गया किसान तो बिल्कुल अच्छा। और खाना किसानों को दो दो हजार रूपए दे रही है सरकार नहीं नहीं ये कुछ नहीं दे रहा हर चार महीने में नहीं, नहीं 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 इससे क्या होता है हमारा सब धन लूट के ला जा रहे हैं तो इससे दो से पाँच से दो हजार से क्या हो रहा है को सब गर्मी रख दिया आपके यहाँ ऐसी पिंकी यादव हैं विधायक तो पिंकी यादव का कामकाज कैसा रहा पिंकी यादव का बोलबाला रहेगा नहीं काम आपके यहाँ कैसा रहा बढ़िया रहा बढ़िया, बढ़िया रहा दो हजार बाईस में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए मुख्यमंत्री तो अगले से बनना चाहिए जी